तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास e की पावर एक्स सम फंक्शन आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप हमेशा स्ट्राइक करते हो कि e की पावर एक्स इंटू समथिंग फंक्शन पड़ा हुआ है, तो वो दो पार्ट में हम क्यों ना सोच लें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। लेकिन सारा काम अपीयर कराने का होता है। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ही फंक्शन दिख रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन बाई पार्ट से भी कवर किया जा सकता है, लेकिन हम इस एपिसोड में आपको हम बता रहे हैं कि एडजस्ट करके कैसे करते हैं, मतलब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट से हम लोग कैसे अपीयर कराते हैं। तो ये देखिए, ऊपर एक्स लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसमें क्या करें, वन ऐड कर लें एंड वन सबट्रैक्ट कर लें, तो कोई हार्म नहीं है, कोई एक्सप्रेशन में तब्दीली नहीं आई, लेकिन शक्ल ज़रूर अलग दिखेगी आपको, कि ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये कि पावर एक्स को पहले लिख रहे हैं, यहाँ से हम इस चीज़ को ब्रेक कर लें तो क्या जाएगा आपके पास, दैट इज़ ई की पावर एक्स, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, या वन प्लस एक्स लिखिए या एक्स प्लस वन लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस यहाँ पे हम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज़ टू पार्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर वन आ जाएगा। तो अब इजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये जो फंक्शन है वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सिंपल है, इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे आप तो माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। खैर, ये आपका क्या हो गया, इसका मतलब एफ एक्स हो गया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, और फिर इसका आंसर तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, मतलब वन प्लस एक्स और एक इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।